पोरबंदर मुजफ्फरपुर मोतिहारी एक्सप्रेस का ब्यावर रेलवे स्टेशन पर हुआ ठहराव। 2 मिनट के ठहराव के बाद ADRM सुनील अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। सुभाष उद्यान स्थित भगवान महावीर अन्य क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने की चोरी। दान पात्र तोड़ चुरा ले गए 7 से 8 हजार रुपए। लॉयंस क्लब ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्रित की 1 लाख रुपए से अधिक की राशि। प्रांतपाल चौधरी को सौंपा सहायता राशि का चेक। और हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में दुग्धाभिषेक कार्यक्रम संपन्न। दूध से किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के मध्य चलने वाली मोतिहारी एक्सप्रेस ट्रेन का शुक्रवार से ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हुआ। रेलवे की ओर से मिले आदेशों के बाद शुक्रवार सुबह मोतिहारी एक्सप्रेस रेल निर्धारित समय से करीब 13 मिनट देरी से 9:35 पर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के ठहराव के बाद ADRM अजमेर सुनील अग्रवाल, सांसद हरिओम राठौड़ और विधायक शंकर सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रेल को आगे के लिए रवाना किया। इससे पहले उपस्थित लोगों ने ट्रेन संख्या 19269 के लोको पायलट भूपेंद्र मिश्रा तथा गार्ड HR मीना का माला व साफा पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत करते हुए मुंह मीठा करवाया। शुक्रवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन से करीब 20 यात्रियों ने उक्त ट्रेन से यात्रा की। ट्रेन के ठहराव के दौरान करीब 100 लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीदे। शुक्रवार को ट्रेन के ठहराव तथा रवानगी के दौरान स्टेशन अधीक्षक LR मीना, सीनियर DOM विवेक रावत, उप सभापति सुनील मुंदड़ा, दिनेश कटारिया, जयकिशन बल्दुआ, राम सहाय शर्मा, विष्णु शर्मा, रिखभ चंद खाटोड़, छगनलाल गहलोत, गुलाब चंद शर्मा, मंजीत सिंह हुडा, गोविंद शर्मा, प्रवीण जैन तथा मनीष बुरट सहित अन्य शहरवासी उपस्थित थे। गौरतलब है कि लंबे समय से शहरवासियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोतिहारी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर मांग कर रहे थे। ब्यावर एक औद्योगिक शहर है और अजमेर जिले के ही नहीं बल्कि आसपास के 4 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को इस ट्रेन के ठहरने से लाभ मिलेगा और इस ट्रेन के ब्यावर में ठहराव से यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा। शुक्रवार से ब्यावर में मोतिहारी एक्सप्रेस के विधिवत ठहराव के दौरान लोगों की भीड़ की संभावना को देखते हुए GRP और RPF द्वारा सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई। मालूम हो कि पोरबंदर से चलकर मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली मोतिहारी एक्सप्रेस संख्या 19269 शुक्रवार तथा शनिवार को सुबह 9:22 पर पहुंचेगी और यहां पर 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:24 पर आगे के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर से चलकर पोरबंदर जाने वाली ट्रेन संख्या 19270 मोतिहारी एक्सप्रेस सोमवार तथा मंगलवार को रात्रि 10:22 पर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जो 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:24 पर आगे के लिए रवाना होगी। शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत लंबी मांग हमारी थी कि यहाँ पर ट्रेनों के जो ठहराव हैं उस दिशा में हम लोगों ने एक कदम आज आगे और बढ़ाया है। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो यहाँ से हफ्ते में 2 दिन गुजरती है उसका ठहराव पहले यहाँ नहीं था, आज से ये ठहराव यहाँ प्रारंभ हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ में कुछ दिनों पहले रानीखेत एक्सप्रेस का भी ठहराव का हमको यहाँ पर अवसर मिला। कुछ ट्रेन्स और हैं यहाँ जो अभी यहाँ नहीं रुक रही है। हम लोग चाहेंगे कि शहर की तरफ से हर एक ट्रेन की मांग करने की जगह हम लोग इस स्टेशन को अपग्रेड करने का जो हमारा मकसद है उसको पूरा करने के लिए हम आग्रह करेंगे। मैंने केंद्रीय रेल मंत्री जी का ऐसा आग्रह किया है क्योंकि ये रेवेन्यू की दृष्टि से फिजिबिलिटी रखता है, ये पात्रता रखता है कि इस स्टेशन को अपग्रेड किया जाए। 2000 में हमने पोरबंदर रुकवाया, ये भी मंच प्रभाव थी। इसके बाद में
जन जागरण मंच ने आश्रम को ठहरा करके 4 साल के संघर्ष के बाद में हमने रानीखेत को रुकाया। हमें विश्वास है आज की गाड़ी का भी जो ठहराव है वो 2 साल के प्रयत्न के कारण से इस गाड़ी का हम ठहराव करा सके। और ये आज की जो पोरबंदर है वो एक झांकी है और गरीब रथ बाकी है। हमारा अगला आंदोलन जन जागरण मंच का गरीब रथ का ठहराव ब्यावर में होगा 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 और दिसंबर तक हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे आत्मविश्वास के साथ मैं अपना उद्बोधन देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय। शहर के सुभाष उद्यान बिचली तालाब के पार पर स्थित भगवान महावीर अनुक्षेत्र में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे तथा वहां रखे दान पात्र को तोड़कर दान पात्र में रखे करीब 7 से 8 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की जानकारी अनुक्षेत्र के व्यवस्थापक नारायण दास के शुक्रवार सुबह अनुक्षेत्र के पहुँचने पर हुई। नारायण दास ने बताया कि गुरुवार शाम को वह प्रतिदिन की तरह अन्य क्षेत्र के मुख्य गेट पर ताला लगाकर घर आ गया। शुक्रवार सुबह जब वह अन्य क्षेत्र पहुंचा तो देखा कि अन्य क्षेत्र के मुख्य गेट पर ताला टूटा हुआ है। भीतर जाने पर देखा तो पाया कि दान पात्र का ढक्कन भी टूटा हुआ है। नारायण दास ने बताया कि दान पात्र में प्रति माह करीब 7 से 8 हजार रुपए का दान एकत्रित होता है। अज्ञात चोरों ने सारी राशि चुरा ली। उसने बताया कि चोरी की वारदात की जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी गई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आज शाम को करीब 7 बजे महावीर अंचल के ताले वाले बंद करके हमेशा की भांति अपने घर गया। जब सुबह मैं यहाँ 6 बजे आया तो यहाँ पे मतलब जो मेन गेट के ताले टूटे हुए थे और जो दान पात्र पड़ा था उसमें करीब 5-7 हजार रुपये हर महीने चंदा आता है वो भी गायब था। शहर के एक ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए 22 हजार रुपए के स्वर्ण आभूषणों से भरा बैग लौटाया है। इस दौरान पीड़ित परिवार की ओर से ऑटो चालक को इनाम राशि के रूप में देने की कोशिश की, लेकिन उसने उस राशि को भी पक्षी सेवा में खर्च करने की बात कहते हुए जीव दया का भी उदाहरण पेश किया। ऑटो चालक की इस ईमानदारी से शहरवासी खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विनोद नगर निवासी मोहनलाल श्री श्रीमाल अपनी पत्नी सज्जन देवी के साथ गुरुवार को स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स के यहाँ से 22 हजार रुपए के स्वर्ण आभूषण खरीदे। गहने खरीदने के बाद श्री श्रीमाल दंपति एक ऑटो में सवार होकर विनोद नगर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे अपना बैग ऑटो में ही भूल गए। काफी देर बाद जब दोनों पति पत्नी ने बैग के बारे में एक दूसरे से जानकारी ली तो एक दूसरे के भरोसे रहने की बात सामने आई। जानकारी मिलते ही परिवार के सभी लोग सकते में आ गए। परिवार के लोगों ने ऑटो चालक की तलाश ली तो वह SBI बैंक के पास खड़ा मिल गया। परिजनों ने उसे सारी जानकारी दी तो उसने ऑटो की तलाशी ली तो बैग ऑटो में ही मिल गया। बैग मिलने के बाद शुक्रवार को ऑटो चालक मालपुरा निवासी बालकिशन ने शुक्रवार सुबह राठी जी की हवेली के पास स्थित ऑटो स्टैंड पर कई लोगों की उपस्थिति में मोहनलाल श्रीश्रीमाल को सौंप दिया। इस दौरान रौनक श्रीश्रीमाल, अमन खींचा तथा चिराग नाहर की उपस्थिति थी। स्वर्ण गंगा से ज्वेलरी खरीदी, वहाँ से खरीद करके बाहर निकला नहीं, ऑटो वाला मिल गया और इस ऑटो में बैठ के मैं विनोद नगर मेरे बंगले पर पहुँचा। बंगले पर चार बस्ता में जो वह हमारी ज्वेलरी की थैली थी जो मैं ऐसे कैसे उसके अंदर भूल गया और बाद में हमारे दो बच्चे और हम उसको ढूंढा के देखा तो स्टेट बैंक 3-4 बजे से ढूंढने लगे जिसके और 7 या 8 बजी थी। स्टेट बैंक इंडिया के सामने ये बालकिशन शर्मा मिला तो हम उनके पास जाते ही उसने वो ज्वेलरी निकाली। बाबूजी मुझे मैं परिचय दिया और ज्वेलरी निकाल के मुझे वो ऐसे कैसे मेरा ज्वेलरी। शहर यातायात पुलिस ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 2 स्थानों से 3 ट्रैक्टर तथा ट्रॉलियां जब्त की हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर तथा ट्रोलियों को सिटी थाने भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार यातायात दीवान शैतान सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों ने कार्यवाही करते हुए रोडवेज बस स्टैंड के यहां पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ओवरलोड ट्रॉली में सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे।
इसी प्रकार भगत चौराहे पर कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रोलियों को जब्त किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त ट्रैक्टर ट्रोलियों को सिटी थाने भिजवाया। शहर के विनोद नगर स्थित राइजिंग स्टार्स प्ले स्कूल में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चे अपने हाथों से बनी राखियां बनाकर लाए। इस दौरान सभी बच्चों ने एक दूसरे के तथा गुरुजनों के राखी बांधी और मिठाइयां खिलाई। इस दौरान निदेशक रोहित पारिक ने बच्चों को राखी पर्व का महत्व तथा पर्व मनाने के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान स्कूल परिसर को रंगीन गुब्बारों से आकर्षक रूप से सजाया गया। पर्व आयोजन के दौरान अध्यापिकाओं द्वारा राखी के पोस्टर एवं विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई गईं। इस दौरान स्कूल की बालिकाओं ने बालकों को तिलक लगाकर राखी बांधी तथा मुंह भी मीठा करवाया। बच्चों द्वारा निर्मित राखियों की प्रदर्शनी में स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी का स्कूल स्टाफ तथा अभिभावकों ने अवलोकन किया। पर्व के दौरान आयोजित राखी प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों का चयन किया गया। इस दौरान पूजा भागचंदानी तथा प्रशंसा सोलंकी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस बार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर राजयोग का विशेष योग बन रहा है। पंडित खेमराज शर्मा ने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित पूर्णिमा में मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6:07 से शाम 5:26 तक पूर्णिमा है, लेकिन शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल होने के कारण इस अवधि में राखी बांधना निषेध रहेगा। इस प्रकार राखी बांधने का समय करीब 10:23 का रहेगा, जबकि ब्राह्मणों की ओर से किया जाने वाला श्रावणी उपाकर्म श्रवण नक्षत्र में 25 अगस्त के दिन सर्व सिद्धि योग में मनाया जाएगा। पंडित शर्मा ने बताया कि अब की बार रक्षाबंधन पर विशेष राजयोग बन रहा है, इसलिए बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए दान पुण्य करें। वहीं दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व है, जिसमें साधु संतों के साथ गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करना चाहिए एवं गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, जिससे विशेष लाभ मिलता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहने के साथ भाइयों की उम्र लंबी होती है। शर्मा के अनुसार राखी बांधने का श्रेष्ठ समय चर लाभ व अमृत का चौघड़िये में सुबह 7:42 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। इसी प्रकार शुभ के चौघड़िये में दोपहर 2:04 से 3:39 तक रहेगा। स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर महादेव बालाजी मंदिर में श्रावण मास के द्वितीय पक्ष की त्रयोदशी पर अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया गया और पंडित सत्यनारायण शर्मा तथा पवन शर्मा ने रुद्री पाठ के साथ भोले बाबा का अभिषेक किया। दुग्धाभिषेक के पश्चात मंदिर में स्थापित देव प्रतिमाओं का श्रृंगार व सायंकाल में महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकास समिति अध्यक्ष रमेश शर्मा, अशोक मूलचंदानी, मुकेश शर्मा, प्रहलाद राय शर्मा, मोहन सिंह रावत, अमरचंद कुमावत, सुरेश शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। वक्त है ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिटी थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी जब्त की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सिटी थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप दारा ने बताया कि ब्यावर सिटी क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम से प्राप्त सूचना के अनुसार एएसआई ओम प्रकाश, कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, तेजमल रामकिशन और प्रमोद कुमार ने चोरी के वाहन खरीदने और बेचने वाले अयान ऑटो सर्विस के मालिक नीमगढ़ निवासी 20 वर्षीय इकबाल काठात की दुकान पर दबिश देकर गत दिनों शांति टावर से चोरी हुई एक बाइक जब्त की। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी के घर पर दबिश देकर उसके घर से चोरी की एक और बाइक जब्त की गई।
पुलिस ने बताया कि उक्त चोरी की वारदात का मुख्य आरोपी साधु का बाड़िया निवासी सुरेश मेहराज बुधवार को बाइक चोरी की फिराक में मसूदा रोड पर आया था। मुखबिर की इत्तला पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बड़े ही शातिर हैं और संभवतया शहर में वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। पुलिस आरोपियों ने अन्य चोरियों की वारदात के साथ ही उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। सदर थाना अंतर्गत रामपुरा हाईवे पर शुक्रवार को एक बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने के कारण बाइक सवार जीजा साला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार लाखिना निवासी सिकंदर तथा सोमलपुर निवासी अकबर शुक्रवार को एक बाइक पर सवार होकर सोमलपुर से लाखिना जा रहे थे। इस दौरान रामपुरा स्थित हाईवे पर उनकी बाइक स्लिप हो गई, जिसके कारण दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। लायंस क्लब ब्यावर यूनिक की ओर से केरल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता एकत्रित की गई राशि का चेक शुक्रवार को प्रांतपाल डॉक्टर डीएस चौधरी को सौंपा। इसके लिए सैंदड़ा रोड स्थित कृष्ण ईंट उद्योग पर आयोजित एक समारोह में क्लब सदस्यों ने सदस्यों के सहयोग से एकत्रित की गई 1,71,000 रुपये की राशि का चेक प्रांतपाल चौधरी को सौंपा। उक्त राशि केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को विस्थापित करने के उपयोग में ली जाएगी। क्लब अध्यक्ष राजेश हेड़ा के अनुसार लायंस क्लब की सेवा भावना के अनुरूप जाति पाति वर्ग के भेद से ऊपर उठकर केरल में मानवता पर आई विपदा की भीषणता को समझते हुए क्लब सदस्यों ने सहयोग राशि एकत्रित की है। कार्यक्रम के दौरान सहयोगी सदस्य घनश्याम लड्ढा, राजेश खत्री, मनीष मेहता, मनीष पुनलोल, संजय लड्ढा, अजीत कोठारी, अजीत झांझरी, शैलेंद्र पीपाड़ा, कृष्णकांत सराफ, आलोक गुप्ता, अनुराग गुप्ता, अरविंद मूथा तथा महावीर मकाना का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अश्विन रावत, कार्तिक झमर, गोपाल डाणी, विनोद राका, नंद किशोर कुमावत, नवनीत टवानी, विकास जैन तथा मनमोहन शर्मा आदि उपस्थित थे। विजयनगर के अधिवक्ता महावीर शर्मा के साथ विजयनगर थाना अधिकारी भवानी सिंह तथा कांस्टेबल राम सिंह तथा महेंद्र द्वारा अभद्र व्यवहार करने की अभिभाषक संघ ब्यावर ने कड़ी निंदा की है। विरोध स्वरूप अभिभाषक संघ ब्यावर ने एक दिन कार्य का बहिष्कार करते हुए सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में संघ सदस्यों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही कार्रवाई के अभाव में आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष सुनील कौशिक, भरत सांखला, दिलीप सिंह गौरा, नितेश वर्मा, संजय नाहर, रवि सुखाड़िया, डीडी राठौर, सुरेश नारायण शर्मा, रामस्वरूप सेवलिया, शैलेंद्र गंडेर, लक्ष्मण सिंह पंवार, महेंद्र तेली सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल थे। इस दौरान उपस्थित सभी ने वकील एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पूज्य झूलेलाल साहब मंदिर नवयुवक मंडल ट्रस्ट की ओर से मनाए जा रहे झूलेलाल चालीहो महोत्सव के तहत शुक्रवार को नंद नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह मंदिर में देव स्नान, महाआरती तथा 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसी क्रम में शाम के समय पूज्य बहिराणा साहब में पंजड़े गाकर छेज लगाई गई, जिसके तहत उपस्थित श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए मौज मनाई। इसके पश्चात नंदनगर में परिक्रमा की गई। परिक्रमा के दौरान महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान हरीश मलकानी, डॉक्टर एच के आनंदानी, भगवान दयानी, दयाल गुरनानी, ईश्वर नाथानी, लीलाराम थवानी, गंगाराम तिलोकानी, विजय गुलबानी, दयाल सदवानी, विजय चतरानी, रवि ज्ञान चंदानी सहित सेवा मंडल के सदस्य उपस्थित थे। एसडी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद महाविद्यालय में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के आईडी कार्ड बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शुक्रवार को मतदाता सूचियों पर आपत्ति दर्ज की गई। एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पीआर देपाल ने बताया कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में 3,983 मतदाता हैं जो मतदान का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कुल 108 मतदान ग्रुप हैं, जिसके आधार पर कुल 108 सीआर चुने जाएंगे। शुक्रवार को महाविद्यालय में आईडी कार्ड बनवाने वाले विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ रही है।
शिवसेना मुख्यालय शिवसेना भवन मुंबई में गत दिनों एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की। शिवसेना प्रदेश सचिव सुरेश चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजस्थान सहित पूरे देश में होने वाले आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव शिवसेना अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या व राजस्थान का दौरा करेंगे। बैठक में ओम चौधरी, राजेश यादव, रमेश सैनी, मुकेश बावलिया, जगदीश सांचिया, डीएन उपाध्याय, रामावतार जांगीर सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। चांदसिता रोड स्थित श्री हेरिटेज स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने उदयपुर रोड स्थित स्वामी ब्रह्मानंद धाम में बुजुर्गों के संग राखी का त्यौहार मनाया। इस मौके पर संस्था प्रधान कुलदीप सिंह राठौर ने बच्चों को बताया कि बुजुर्ग हमारे समाज व परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी है। बुजुर्गों के बिना संस्कारित समाज की कल्पना करना असंभव है। उन्होंने कहा कि जहां एक और आज भी बुजुर्ग दिन रात एक करके जीवन भर अपने परिजन तथा बच्चों की खुशहाली के लिए दौड़ते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर आजकल सनातन संस्कृति को भूलने और पाश्चात्य शैली के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो आज के सभ्य समाज के लिए गहन चिंता का विषय है। इस दौरान उपस्थित बच्चों ने बुजुर्गों की कलाई पर राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात बच्चों ने राठी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र राठी व अंजना राठी को भी रक्षा सूत्र बांधे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार। पोरबंदर मुजफ्फरपुर मोतिहारी एक्सप्रेस का ब्यावर रेलवे स्टेशन पर हुआ ठहराव। 2 मिनट के ठहराव के बाद ADRM सुनील अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। सुभाष उद्यान स्थित भगवान महावीर अन्य क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने की चोरी। दान पात्र तोड़ चुरा ले गए 7 से 8 हजार रुपए। लॉयंस क्लब ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्रित की 1 लाख रुपए से अधिक की राशि। प्रांतपाल चौधरी को सौंपा सहायता राशि का चेक। और हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में दुग्ध अभिषेक कार्यक्रम संपन्न। दूध से किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक।